बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईने किराम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल रहमान आवान। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे पाक फिजाइया के तैयारे को जदीद तरीन बनाने के बारे में। नाज़रीन इकराम, यूक्रेन की कंपनी यूकेआर स्पेस एक्सपोर्ट ने पाक फिजाइया पीएएफ के एलियन 278 फिजाई ईंधन भरने वाले तैयारे को कामयाबी से जदीद बना दिया है। यूकेआर स्पेस एक्सपोर्ट एक सरकारी असले की तजारत करने वाली कंपनी है और रियासती तंजीम यूकेआर ओबरॉन प्रोम का एक हिस्सा है। यूकेआर स्पेस एक्सपोर्ट की तरफ से जारी करदा सरकारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के एल्यूशन 278 तैयारे की जदीद कारी का काम उसके माहरीन ने माइक्रोव एयरक्राफ्ट रिपेयर जनूबी यूक्रेन में कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। बयान में मजीद कहा गया है कि एल्यूशन 278 फिजाई ईंधन भरने वाला जेट पहले ही पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है और आने वाले चंद दिनों में इसे बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से बात करते हुए डिप्टी डीजी यूकेआर स्पेस एक्सपोर्ट आर्चर मैक्सिमोव ने कहा कि मुआहदे की कामयाब तकमील यूक्रेन और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तकनीकी तआवुन के शोबे में मजीद दो तरफा ताल्लुकात का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि यूकेआर स्पेस एक्सपोर्ट दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा फौजी तआवुन को मजीद गहरा करने की तवक्को रखता है और आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ मजीद मुश्तरक मनसूबों की तकमील के लिए पुरअमीद है। नाज़रीन इकराम, जून 2020 में पाकिस्तान एयरफोर्स और यूकेआर स्पेस एक्सपोर्ट ने पीएफ की एल्यूशन 278 फिजाई ईंधन की ओवरहाल अपग्रेडेशन के लिए मल्टी मिलियन डॉलर के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। नाज़रीन-ए-किराम, पाक फिजाइया के एल्यूशन 278 फिजाई ईंधन भरने वाले तैयारे की जिद्दत से पाक फिजाइया की ताकत में मजीद इजाफा होगा और हवा में मौजूद फाइटर जेट को ईंधन आसानी से मुहैया किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया।